हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ अकाउंट सेटअप। आज क्या पढ़ने वाले भाई? आज करने वाले हैं जनरल का अगला स्टेप। मैंने जैसे आपको बचपन से बता रखा हूं, मैं बचपन मतलब ग्यारहवीं की शुरुआत। तो भाई ग्यारहवीं की शुरुआत से अपन ये पढ़ रहे हैं कि तीन सीढ़ी होती है, तीन सोने की सीढ़ी होती है जो आपको चढ़नी है अकाउंटेंसी के लिए। पहली सीढ़ी है जिसका नाम है जनरल, जिस पर हम चढ़ चुके हैं। दूसरी सीढ़ी होती है लेजर, लेजर पोस्टिंग। तीसरी और आखिरी सीढ़ी होती है आपकी फाइनल अकाउंट्स, ठीक है? और इन्हीं के बीच में सारा खेल हो जाता है आप लोगों का। बट द थिंग इज दैट, क्या चलो थिंग बाद में बताएंगे, जब दो सीढ़ी को तोड़ेंगे और बीच में से कुछ एक पोर्शन निकालेंगे, वो नेक्स्ट की नेक्स्ट वीडियो है। आज के इस वीडियो में और बहुत जल्दी अपन इस लेजर के टॉपिक को खत्म करेंगे, क्योंकि लेजर के टॉपिक में एक्चुअल में कुछ भी नहीं है। कमाउन ऐसा बोलेंगे, क्या है? कुछ भी नहीं है। दो चीजें समझानी है लेजर के अंदर, कितनी? दो चीजें, और पूरा का पूरा टॉपिक खत्म। एक, क्या है फॉर्मेट, कैसे है फॉर्मेट, पोस्ट किस तरीके से करते हैं, पोस्टिंग किस तरीके से करते हैं, सिंपल एंट्री की, कंपाउंड एंट्री की। और दूसरा, अकाउंट का बैलेंस कैसे निकालते हैं और किस तरफ कौन सा बैलेंस दिखाया जाता है और कौन से बैलेंस का मतलब क्या होता है। बस खत्म। ये दो चीजें होती हैं लेजर के अंदर, इसके अलावा कोई तीसरी चीज नहीं है जो कि लेजर में आए। हम क्या है, या दिमाग में फितुर बैठा हुआ है क्या? नया सब्जेक्ट, नया चैप्टर नहीं आएगा। क्या बोला? नया सब्जेक्ट अकाउंट, नया चैप्टर लेजर या कोई और नहीं आएगा। एक बार में घुस ही नहीं सकता दिमाग में, एक बार में कभी दिमाग में घुस ही नहीं सकता। ऐसा कई बार होता है, आपको भी गेम खेलो या कुछ खेलो, जिस व्यक्ति को खुद के ऊपर पूरा भरोसा है कि उससे नहीं होगा, वो कर भी जाता ना, फिर भी सोचता है दो मिनट तक, क्या मैंने कर लिया? क्योंकि उसको खुद पे कभी भरोसा नहीं था कि वो नहीं कर सकता। तो गाइस, जनरल के बाद अपन जो लेजर पढ़ रहे हैं वो जनरल से भी ज्यादा आसान है। पर हाँ, लेजर पढ़ने से पहले जनरल पढ़ना बहुत जरूरी, क्योंकि लेजर इज नथिंग बट द नेक्स्ट पार्ट ऑफ जनरल। आप लोगों ने देखो, चलो शुरू कर लेते हैं, बाद में बात करेंगे इस बारे में। आपने ये देखा होगा कि जनरल के अंदर हम सब चीजों का, मतलब पूरे पेज के ऊपर ये डेबिट हो रहा है, ये क्रेडिट, ये डेबिट, ये क्रेडिट, ये डेबिट, ये क्रेडिट। बट क्या आप लोगों ने कभी ये सोचा है कि एक कंपनी अगर दिन के 1000 ट्रांजेक्शन करती है, एक कंपनी अगर दिन के 1000 ट्रांजेक्शन करती है तो साल भर में उसके कितने ट्रांजेक्शन हो गए? 365,000। ज्यादा हो गए ना, 365,123, कम ऑन, 365,000। आई एम राइट हो जाती है। हाँ जी, तो एक साल के उसके 365,000 के करीब ट्रांजेक्शन हो गए। अब आप एक बात सोचो, जनरल की जो किताब है उसकी एक किताब पे होते हैं जितने भी कॉलम, और उस कॉलम में अगर अपन भरना चालू करें, या आप पीसी में अगर आप उसकी एंट्री करना चालू करें, तो ये मान के चलते अगर किताब में एंट्री कर रहे हो तो एक पेज पाएंगे 6 एंट्री, 7 एंट्री, 10 एंट्री। तो ये सोचो 365,000 पेजों में कितनी एंट्री आएंगी, 365,000 एंट्री कितने पेजों में आएंगी, करीब 36,000 पेजों में, 36,500। अब अगर मुझे पता करना है पूरे साल में मेरा कैश का बैलेंस कितना था, तो क्या मैं 36,500 पेज पलटूंगा? मुझे ये पता करना है पूरे साल के अंदर कितनी परचेजिंग हुई, तो क्या मैं 36,500 पेज पलटूंगा? मुझे ये पता करना है साल के अंदर कितनी सेलिंग हुई, क्या मैं 36,500 पेज पलटूंगा? मुझे ये पता करना है कि मेरे पास कितने एसेट्स हैं और कितने एसेट्स की कीमत कितनी है, तो क्या मैं 36,500 पेज पलटूंगा? अगर पलटूंगा तो पलट ले, बिजनेस तेरे बस की बात नहीं है। तो उसके लिए अगला स्टेप आता है लेजर पोस्टिंग। लेजर पोस्टिंग का मतलब, या लेजर का मतलब क्या होता है, पहले डेफिनेशन देखिए फिर मतलब बताऊंगा। लेजर इज अ बुक इन विच वेरियस अकाउंट, एसेट्स, लाइबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंस, इसके अंदर के सारे एसेट्स में जितने भी आते हैं, फर्नीचर, मशीनरी, बिल्डिंग, सब आर ओपन एंड ट्रांजेक्शन आर पोस्टेड फ्रॉम जनरल बुक। आपकी जनरल की किताब है, जो 36,500 ट्रांजेक्शन की किताब है, उसकी पोस्टिंग करी जाती है लेजर अकाउंट में। और जनरली आज के समय में जनरल जो है उसको छोड़ के हम डायरेक्टली लेजर पोस्टिंग कर देते हैं, ताकि उससे फायदा ये होता है कि कर देते हैं लोग, फायदा ये होता है कि आपको एक बार में पता लग जाता है। अब लेजर पोस्टिंग का मतलब क्या है, या लेजर होती क्या है, समझ के चलो। आपके चौथे पेज पे कैश की एंट्री है, एक कैश की एंट्री चलो हर पेज पे मिल जाती है, परचेज की एंट्री, बात गुड्स परचेज की, चौथे पेज पे, सातवें पेज पे, आठवें पेज पे, दसवें पेज पे, पंद्रहवें पेज पे, अठारहवें पेज पे, 200 नंबर के पेज, 220 नंबर के पेज, ऐसे करीब 50 एंट्री परचेजिंग की। आपको इतनी खबर है कि अगर मुझे परचेज पता करना है तो मुझे सारे पेज खोलने पड़ेंगे। तो हम क्या करते हैं,
सारी परचेज की एंट्री उठाई, परचेज का खाता खुला और उसके अंदर लिख दी, कैश की सारी एंट्री उठाई, कैश राम से, कैश मोहन से, कैश सोहन से, कैश राजू से, कैश साजू से, कैश काजू से, सबको उठाया, कैश का खाता खोला और उस कमरे में भर दिया, कैश का खाता खोला और कैश के कमरे में भर दिया। ध्यान से समझना, बड़ा इंटरेस्टिंग दिमाग चला है अबकी बार कि किस तरीके से लेजर पोस्टिंग को समझना है। ये समझो कि अभी अपन ने क्या कर रहा था, ग्राउंड में सारे बच्चे इकट्ठे कर लिए, उनमें से क्लास इलेवंथ के भी है, क्लास टेंथ के भी, क्लास नाइन्थ के भी, क्लास एट्थ के भी, क्लास सेवंथ के भी, क्लास फिफ्थ के भी है। ये होगी जनरल एंट्री कि भाई हाँ ठीक है, ये लड़का ये लड़की, लड़का मान लो डेबिट, लड़की मान लो क्रेडिट। तो आपने ग्राउंड में डेबिट और क्रेडिट वाले कर दिए, डेबिट में भी है, क्रेडिट में भी है, क्लास इलेवन भी है, क्लास ट्वेल्थ भी। अब क्या करना है, अब अपने को ये करना है कि क्लास वाइज बच्चों को कमरों में बढ़ो, क्लास इलेवेंथ डेबिट और क्रेडिट सब आ जाओ, डेबिट वाले इस रूम में बैठेंगे, क्रेडिट वाले इस रूम में बैठेंगे। तो उस क्या होगा, आप क्लास इलेवेंथ के पता करना है, आप घुसे, इस रूम में लड़के हैं, इस रूम में लड़कियां हैं, ठीक है भाई, कोई दिक्कत हुई क्या? कोई दिक्कत नहीं हुई। तो जो आपकी क्लासेस हैं वो अकाउंट की हेडिंग है, वेजेस का अकाउंट बना दिया, कैश का अकाउंट बना दिया, बैंक का अकाउंट बना दिया, मशीनरी का अकाउंट बना दिया, डिस्काउंट का अकाउंट बना दिया, समझ में आ रहा है। और जो लड़का और लड़की है वो क्या है, जैसे अपन समझ के चलेंगे कि मशीनरी बेची या मशीनरी खरीदी, तो एक मशीन हो गया और एक कैश हो गया, तो इसको दोनों जगह भेजा, कहा मशीन वाले खाते में, मशीन डेबिट हुई है तो मशीन वाले खाते में डेबिट साइड चले जाओ भाई, कौन जाएगा, कौन बातें देखो, दोनों चीजों को समझना पहले, चलो स्टेप बाय स्टेप समझाना, पहले फॉर्मेट समझेंगे फिर आगे बढ़ते, समझ रहे चीज को। लेजर पोस्टिंग का मतलब क्या होता है, जनरल की किताबों में से जो फैले हुए हैं पूरे, उनमें से एक एक अकाउंट को उठाना हो, और जो सिमिलर है, कैश कैश के ट्रांजेक्शन कैश के क्लास में हो गए, कैश के अकाउंट में हो गए, परचेज परचेज के ट्रांजेक्शन परचेज के अकाउंट में हो गए, सेल्स के ट्रांजेक्शन सेल्स के अकाउंट में, ठीक है। अगर आपकी किताब में राम है, श्याम है, मोहन है, रोहन है, सोहन है, तो इन पांचों का अलग खाता बनेगा, पांच अलग अलग खाते बनेंगे। तो हर एक पर्सन का, हर एक एंट्री का, हर एक नेम का एक अलग खाता क्रिएट किया जाता है, उसको हम लेजर पोस्टिंग बोलते हैं। उसका फॉर्मेट बड़ा आसान होता है, इसको है ना, अगर ध्यान से समझे तो पापा पापा करते हैं, क्या करते हैं, पापा पापा करते हैं, पापा पापा मतलब डेट तो सबको पता है, पर्टिकुलर डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डी पापा क्या, जी पापा नहीं, डी पापा, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, ये इसका फॉर्मूला होता है। और समझना, ये दो टुकड़ों में बटा, एक इधर और एक इधर, दो टुकड़े हो गए। जैसे अपने जनरल लेजर पोस्टिंग कर रहे हैं, अपन जनरल में होते हैं, डेबिट साइड क्रेडिट साइड। अब भाई क्लास एक ही है ना, क्योंकि भाई कैश के हैं सारे के सारे बेचारे, इलेवेंथ क्लास के बच्चे हैं, तो क्यों एक ही जगह भरना। अगर आप वापस से लड़का लड़की मिला के बिठा दोगे तो क्लास में अरेंज करने का मतलब क्या, वो तो ग्राउंड में ही खड़े थे। तो हम क्या करेंगे, डेबिट वाले सब एक तरफ, क्रेडिट वाले सब एक तरफ। तो हमने क्या करा, उस कैश के खाते को दो टुकड़ों में बांट दिया, एक तरफ डेबिट साइड, एक तरफ क्रेडिट साइड। वो वाली साइड ये हो गई डेबिट साइड और ये हो गई आपकी क्रेडिट साइड, पहली चीज, ठीक है। अब समझो इस चीज को, बनाना कैसे फॉर्मेट, नेम ऑफ द अकाउंट सबसे ऊपर आएगा। जैसे आप कैश का खाता बना रहे हो तो आपने लिखा कैश अकाउंट, मशीनरी का खाता बना रहे हो तो लिखो मशीनरी अकाउंट, बैंक का खाता बना रहे हो लिखो बैंक अकाउंट, कैपिटल बना रहे हो तो कैपिटल अकाउंट, राम बना रहे हो तो राम अकाउंट, शाम बना रहे हो तो शाम अकाउंट, ठीक है। इसका प्रॉपर फॉर्मेट क्या है, डेट किस तारीख को हुआ, पर्टिकुलर कहां से आए कहां गए, एलएफ वहां एलएफ था, यहां होगा जीएफ। एलएफ का मतलब पहले बताया था लेजर फोलियो, कि भाई देखो जनरल की किताब 36,000 पन्नों की है, लेजर की किताब अलग बनेगी, ठीक है ना। तो अब क्या है, मुझे क्रॉस चेक भी करना पड़ता है कि भैया सही है या नहीं है। तो मैंने जनरल की हर एंट्री के आगे पेज नंबर डाल दिया कि लेजर की किताब के कौन से नंबर पेज पे इस एंट्री को मैंने कौन सी क्लास में डाला। यानी कि आपने क्या करा, सारे ग्राउंड के बच्चों के नाम नंबर लिख लिए, क्या सबको अरेंज कर दिया, भाई लड़का लड़की एडवाइस करो, ठीक है, सबको अरेंज कर दिया, एक लड़का होगा फिर एक लड़की होगा फिर एक लड़का एक लड़की एक लड़का एक लड़की, तो डेबिट क्रेडिट डेबिट अरेंज होगा, ठीक है। अब क्या करा, सबके नंबर लिख लिए। अब जैसे क्लास में भरा तो ये लिख दिया कि भाई राजू जो था वो कैश के खाते का है, ठीक है, कैश के खाते में है और वो लेजर की किताब नंबर, यानी क्लास इलेवंथ का राजू है, समझ रहे हो, क्लास इलेवंथ का राजू है, यानी कि 11वें नंबर के पेज में कैश खाते में राजू की एंट्री मिल जाएगी, आपको चेक कर लेंगे। तो फिर मैं यहां आता हूं, राजू प्रेजेंट सर, है भाई राजू, ठीक है मैच हो गया, ठीक है। यहां से भी कर सकते हो, राजू 11th क्लास में बैठा है, रिकॉर्ड में चेक कर, ग्राउंड में जब बोला था तो राजू 11वीं का लिखवाया उसने या नहीं लिखवाया, ये क्या है, क्रॉस चेक करने का तरीका है। तो इसी तरह वहां जनरल लेजर फोलियो था कि लेजर की कौन सी किताब में गया है ये एंट्री, उसी तरह यहां होगी जनरल फोलियो जेएफ, कि जनरल के कौन से पेज नंबर से उठाई गई है,
जीएफ जनरल के कौन से पेज नंबर से उठाई गई है, एलएफ लेजर के कौन से पेज नंबर में छोड़ी गई है। जनरल में एलएफ बनता है और लेजर में जीएफ बनता है। जनरल में बनता है लेजर फोलियो, लेजर में बनता है जनरल फोलियो। ठीक है, अब इसको पुट करना बहुत आसान होता है, बहुत बहुत ज्यादा आसान होता है। देखो बड़े प्यार से समझा रहा हूं, इतना आसान होता है, एक बार दिमाग में बैठेगा काम खत्म, फिनिश। दो तरीके की एंट्रियां बता रहा हूं, एक सिंपल एंट्री की पोस्टिंग है, कंपाउंड एंट्री की पोस्टिंग। कल इसका एक प्रॉपर क्वेश्चन भी करा दूंगा जहां आपको कंफ्यूजन भी क्लियर हो जाएगा। कुछ लोग ऐसे वक्तव्य स्पर्धा करते हैं, सर क्वेश्चन ही नहीं कराते। भाई करा रहा हूं ना यार, सबर तो रखो, पूरा प्रॉपर आपको सब चीज करा रहा हूं, सबर रखो। हाँ जी, तो देखिए अपन ने जैसे देखो पहली एंट्री इसको भूल जाते हैं, सैलरी टू बैंक, सैलरी दी है टू बैंक, मतलब बैंक से देखे। इस पर्टिकुलर एंट्री के दो खाते बने, कौन कौन से खाते में फर्क पड़ रहा है, कौन कौन सी एक सैलरी वाली क्लास में फर्क पड़ रहा है, एक बैंक वाली क्लास में फर्क पड़ रहा है। तो इस स्पेसिफिक एंट्री के लिए आप दो अकाउंट बनाएंगे, एक अकाउंट बनेगा सैलरी के नाम का और एक अकाउंट बनेगा बैंक के नाम का। दो अकाउंट बनेगा, प्रॉपर फॉर्मेट से बना दू ताकि आप लोग समझ जाओ। इस स्पेसिफिक एंट्री का मैं फॉर्मेट बना के बता रहा हूं, अगली एंट्री अपन शॉर्ट में करेंगे। ये आपने बनाया डेट, पर्टिकुलर अमाउंट और ये जनरल फोलियो। जनरल फोलियो आपको भरने की आवश्यकता नहीं, चिंता मत करना। ठीक है, ये आपका फॉर्मेट हो गया, किसका हो गया, डेट डी पापा, पर्टिकुलर अमाउंट पूरा भरना भाई डी पापा। ठीक है, ये आपका जनरल फोलियो, जेएफ जो पेज खाली रहेगा जनरल के कौन से पेज में, ये बना सैलरी का, इसी तरह आपको बनाना है बैंक का। किसका बनाना है, इसी तरह है बैंक का। अब बोलोगे सर अगर ऐसी 10 एंट्रियां हुई तो मुझे 20 अकाउंट बनाने पड़ेंगे। जी हाँ, कम ऑन, जी हाँ बनाने पड़ेंगे। अगर आपका जैसे बैंक का कोई और ट्रांजेक्शन आ जाता तो उसके लिए नया खाता बनाने की जरूरत नहीं है, बैंक का खाता पहले से बना हुआ तो आप उसी खाते में पोस्टिंग कर देंगे। ठीक है ना, रिपीट होता है तो उसी में कर दो, नया बनता तो भाई बनाने पड़ेंगे। अकाउंट में खेल यही है क्या भाई, फॉर्मेट में जाता टाइम, बहुत टाइम जाता है फॉर्मेट बनाने में। तो इसके लिए क्या करूं, इसके लिए बड़ा ट्रिक बताऊं, ये 30 सेंटीमीटर वाला स्केल आता ना वो ले लेना। कौन सा वाला, वो भी जिसमें आर पार दिखता ना, ट्रांसपेरेंट, लोहे वाला ट्रांसपेरेंट, एक यू रखा पेज में, चार क्वेश्चन करोगे पांच में समझ जाओगे। आपको करना क्या है, पहले जनरल बनानी पड़ेगी फिर लेजर पोस्टिंग करनी पड़ेगी। जनरल करने के बाद आप इतना समझ जाओगे कि हाँ भाई कैश की चार एंट्रियां हैं तो आपको पांच लाइन छोड़नी है, अभी सब बता दूंगा। हाँ, ये हुआ सैलरी का और ये हुआ बैंक का। आप समझना ध्यान से, बहुत ध्यान से समझना, एक बार में समझ जाना चाहिए। सैलरी टू बैंक, सैलरी जो है दी है और बैंक से दी है, अब समझो ध्यान समझना, सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब आता है इलेवेंथ क्लास और ट्वेल्थ क्लास, दोनों इफेक्ट पड़ रहे हैं। इलेवेंथ क्लास में जो इफेक्ट पड़ रहा है और ट्वेल्थ क्लास में जो इफेक्ट पड़ रहा है, दोनों को अपने को पोस्ट करना है, यानी सैलरी को भी पोस्ट करना और बैंक को भी पोस्ट करना है। तो पहले बात करते हैं सैलरी की, सैलरी में फर्क पड़ा किस वजह से, अपन यहां पोस्ट नहीं करते। देखो मैं लिखूंगा क्या, मेरा नाम गौरव है और इस किताब में मैंने यहां बना दिया गौरव का फॉर्म, अगर मैंने यहां बना दिया गौरव का फॉर्म तो मैं बार बार लिखूंगा गौरव ने टू गौरव, टू गौरव, टू गौरव, या बाय गौरव बाय। मेरी किताब में मेरा नाम नहीं आता, मेरी किताब में उस चीज का नाम आता है जिससे फर्क पड़ा है, यानी सैलरी की किताब में सैलरी का नाम नहीं आएगा, सैलरी की किताब में बैंक का नाम आएगा और बैंक की किताब में सैलरी का नाम आएगा। समझ में आया, वापिस समझना, सैलरी की किताब में बैंक का नाम आएगा, बैंक की किताब में सैलरी का नाम आएगा। लिखना उसी तरह, सैलरी डेबिट हुई है, आपको वजह लिखनी है क्यों हुई है, एंट्री की पोस्टिंग मतलब वजह, सैलरी का खाता डेबिट हुआ है क्यों हुआ है, बैंक की वजह से, क्यों हुआ है बैंक की, ये डेबिट साइड हो गई, ये क्रेडिट साइड हो गई, किस वजह से हुआ है, बैंक की वजह से डेबिट हुआ है सैलरी का खाता, तो सैलरी का खाता डेबिट हुआ है बैंक की वजह से। बैंक का खाता टू बैंक अकाउंट क्रेडिट, बैंक का खाता क्रेडिट हुआ है किस वजह से, बैंक का खाता क्रेडिट हुआ है किस वजह से, सैलरी। वजह आपको लिखनी है, साइड वही रहेगी जिस साइड में आया है, राम टू कैश, राम का खाता डेबिट हुआ है कैश की वजह से, तो राम के खाते में डेबिट साइड लिख देंगे कैश, और कैश राम टू कैश, कैश का खाता क्रेडिट हुआ है राम की वजह से, तो कैश के खाते में क्रेडिट साइड लिख देंगे राम, और
का नाम सुना, पहले जो शब्द लगाते हैं नाम से पहले मिस्टर मिसेज, उसी तरह डेबिट में आप कुछ भी लिखेंगे तो उसके पहले लगा देंगे टू, और क्रेडिट में कुछ भी लिखेंगे उससे पहले लगा देंगे बाय। यहां कुछ नहीं है इसलिए यहां नहीं लगा, समझ आया? इस तरफ लिख रहे हो तो टू लिखना, इस तरफ लिख रहे हो तो बाय लगा देना, प्रीफिक्स मिस्टर मिसेज की तरह समझो, ठीक है। सैलरी का खाता डेबिट हुआ है बैंक की वजह से कितना, सैलरी का खाता बैंक की वजह से डेबिट हुआ है 15,000 रुपए का। अभी कंपाउंड कराऊंगा तो समझो और अच्छे से, जो कंफ्यूजन होता ना सर कितने से करो। बैंक का खाता क्रेडिट हुआ है सैलरी की वजह से कितना, 15,000। बैंक का खाते में कितने का फर्क पड़ा है, 15,000। बस इतना ही तो है आपका लेजर पोस्टिंग भाई, इतना ही है, दिक्कत की बात क्या है? डर लग रहा है क्या किसी से? नहीं लग रहा, इतना सही करा दिया। कंपाउंड एंट्री सर, कंपाउंड एंट्री सर, कंपाउंड एंट्री कराओ, चलो कंपाउंड रबिट ऑफ। मैं सिर्फ नॉर्मली अब पूरा फॉर्मेट नहीं बता भाई, बहुत है भाई, दिल को धक्का लगता है, ठीक है। दो बने में तीसरे का फॉर्मेट नहीं बना, हमारे पास मार्कर है, हम इस मार्कर का इस्तेमाल करके हाथ से मिटा सकते हैं। आपके पास मार्कर का उपयोगिता नहीं है तो आपको नया खाता बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। और पेपर में मत करें ना सर, डी पापा लिखी है, DPA DPA लिखिया होगा ना, टीचर बोलेगा पापा को बुला के लाओ सर। हाँ जी आई रही, सोहन अकाउंट डेबिट टू बैंक टू डिस्काउंट रिसीव। सोहन डेबिट हुआ है टू बैंक और टू डिस्काउंट रिसीव, सोहन को पैसे दिए और डिस्काउंट मुझे मिला है, यानी कम पैसे दिए, यानी तो डिस्काउंट रिसीव, तीनों के खाते बनेंगे, सोहन के में भी आएगा, बैंक के में भी आएगा और डिस्काउंट रिसीव के में भी आएगा। पहले तो ये समझो, बाय सैलरी पहले से लिखा हुआ है, इसको क्यों मिटाया, ठीक है। अब देखो पोस्टिंग किस तरीके से, बहुत आराम है, बहुत आराम, ध्यान समझ रहा हूं। पहले अपन करते हैं सोहन के खाते में एंट्री, सोहन के खाते में एंट्री करेंगे। सोहन का खाता डेबिट हुआ है, सोहन का खाता डेबिट हुआ है किस वजह से, बैंक और डिस्काउंट की वजह से। सोहन का खाता डेबिट हुआ है बैंक और डिस्काउंट की वजह से, तो सोहन के खाते में डेबिट साइड लिख दो बैंक और डिस्काउंट। मिस्टर मिसेज लगा दें, ये मिस्टर ही मिस्टर, दोनों मिस्टर है, मिसेज इस तरफ आएगी। सोहन का खाता डेबिट हुआ है बैंक की वजह से और डिस्काउंट की वजह से कितना, कितना बैंक की वजह से डेबिट हुआ है 9,600 और डिस्काउंट की वजह से क्रेडिट हुआ है 400। आ गया लट्टू, जल गया दिमाग का, आगे बढ़ो थोड़ा सा और जलाएंगे। हम तो पहले कहते थे यार अकाउंट हटा पे आ जाओ मजे आएंगे, तुम ही नहीं सुनते थे, आ जाओ। हाँ जी बहुत बोलते सर ऑनलाइन स्टडी पॉसिबल है, कम ऑन लेट्स डू इट। हाँ जी बाकी में पोस्ट कर लो, इतना समय चलो। बैंक का खाता क्रेडिट हुआ है, बैंक का खाता क्रेडिट हुआ है, बैंक का खाता क्रेडिट हुआ है किस वजह से, समझो डिस्काउंट की वजह से नहीं हुआ है, डिस्काउंट तो इसी का साथ ही है, डिस्काउंट दूसरा दुनिया का आदमी नहीं है तो डिस्काउंट तो बेचारा तू पड़ा है। बैंक का खाता क्रेडिट हुआ है किस वजह से, सोहन की वजह से, उल्टी साइड वाला ढूंढना है, लड़का तो लड़की ढूंढो, लड़की तो लड़का ढूंढो, बैंक का खाता क्रेडिट हुआ है सोहन की वजह से, बैंक का खाता क्रेडिट, बैंक का खाता क्रेडिट हुआ है सोहन की वजह से, मिस्टर मिसेज लगा दो। कितना, कितना बैंक के खाते में सोहन की वजह से कितना चेंज आया, 10,000 का चेंज नहीं है, 10,000 का चेंज तो सोहन के खाते में आया जो अपन ने लिख दिया 9,600 इसकी वजह से, 9,400 इसकी वजह से। बैंक के खाते में सोहन की वजह से कितना चेंज आया, 9,400। बैंक के खाते में इतना ही चेंज आया, समझना कंफ्यूज मत, तो बैंक के खाते में तो 9,600 का चेंज किया है, सोहन के में अपन ने लिखे देखो 10,000 है ना, 10,000 ही लिखे पर कैसे लिखे, 9,600 के नाम से 400 के नाम से। बैंक के खाते में अपन ने नो बैंक के आगे वाला अमाउंट ही लिखा है और नाम किसका डाला है, उल्टे वाले का, लड़की का नाम डाला बाय सोहन, सॉरी चोरे का नाम डाला बाय सोहन। समझ में आ गया, चीजें समझ लो किस तरीके से चल रही है, एक प्रॉपर क्वेश्चन करा दूंगा। आखिरी डिस्काउंट का खाता क्रेडिट हुआ है, डिस्काउंट का खाता क्रेडिट हुआ है किसकी वजह से, बैंक की वजह से ना ही, बैंक तो साथ वाला सेम जेंडर है। हाँ जी डिस्काउंट का खाता क्रेडिट हुआ है सोहन की वजह से, डिस्काउंट का खाता क्रेडिट हुआ है सोहन की वजह से बाय मिसेस। कितना डिस्काउंट, कितना 400। कम ऑन गाइस लेट्स डू इट, दिस इज इट गाइस, दिस इज इट लिटरली, दिस इज इट, कुछ नहीं है इसमें। एक वीडियो और लूंगा बस लेजर की, उसमें आपको बैलेंसिंग सिखाऊंगा, एक जनरल लेजर का कंप्लीट क्वेश्चन करा दूंगा,
ठीक है। तो गाइज आज के लिए इतना ही, आई होप आपको प्रॉपर समझ में आया हो लेजर पोस्टिंग किस तरीके से करते हैं, क्योंकि बहुत सारा कंफ्यूजन क्रिएट किया जाता है। क्या जो डेबिट हो रहा है उसको डेबिट करो, नाम दूसरा डालो, जो क्रेडिट हो रहा है उसको क्रेडिट करो, नाम दूसरा डालो, उल्टी साइड वाला लिखना है, सीधी साइड वाला लिखना है, जगह देखो, टू के साथ टू लिखो, कुछ नहीं है तो बाय लिखो। जब प्रॉपर कॉन्सेप्ट क्या है, ये है प्रॉपर कॉन्सेप्ट। क्या बैंक का खाता क्रेडिट हुआ है सोहन की वजह से, सोहन का खाता डेबिट हुआ है बैंक की वजह से, डिस्काउंट की वजह से। मैं किसी को अपोज नहीं कर रहा, किसी को नहीं बोल रहा तू मेरे साथ है, तू मेरे से दुश्मन है, कोई नहीं है। द थिंग इज दैट आई लव द दिस वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन, ताकि माइंड में सीधा गोली की तरह घुसता है और यहां जाके शटर लगा हुआ है जो बाहर नहीं निकलता। आई होप आपको समझ में आया हो, बात से एग्री करे तो लाइक जरूर करना। कल आपसे फिर मिलेंगे जनरल नॉलेज के क्वेश्चन को लेकर। टिल देन गाइस कीप ऑन वाचिंग, काउंट ऑन दैट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड